रामनगर मोहल्ले के कुछ घरों में सीलन का वातावरण बना हुआ है। कारण यह है कि इन घरों में अचानक से जमीन से पानी आना शुरू हो गया है। जो रिश्ता रहता है दीवारों से भी पानी निकल रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या समस्या है, लेकिन इस वजह से उनके घर का सामान खराब हो रहा है और हर तरफ सीलन के कारण बीमारियों का डर बना हुआ है। जिन्होंने गुहार लगाई है कि इस तरफ नगर निगम ध्यान दे और उन्हें राहत दे कि आखिरकार यह पानी कहाँ से अचानक उनके घरों दीवारों से निकल रहा है। मैं रामनगर वाले तो बोल रहा हूं। कल रात तो साढ़े पूरे इतने फर्श ते दीवार ते पानी अपने आप ही सिम रहा है। पूरा पूरा फर्श गिला है। जिस तरह हाथ लगा के देखो पानी है। साढ़े अगले जो घर है उत्थे भी सारे भर पानी आया है। साढ़ा फिर घट है, बाकियों के बहुत ज्यादा है। आप असं यही चाहते हैं कि रीजन की है यदा यह पता लगे, क्योंकि मैं अब बाकी न्यूज़ भी देख रहे हिमाचल भी सेम यही न्यूज़ आ रही है, बाकी जगह भी सेम न्यूज़ आ रही है कि सेम यही उ भी दिखा रहे हैं न्यूज़ दिव्य हिमाचल चैनल भी मैं देखा। तो मैं ताही मैं अज है कि साढ़े महल्ले भी पूरा यही रीजन है कि जरा पानी आ रहा क्यों आ रहा है ये पता करता जाए, ताकि कल कोई दीवार डिगदी है कोई सलाबा पूरा दीवार उपर तक चल जाता है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। बस मैं यही कहना कि थोड़ा इनू चेक किया जाए। ये कल रात तो पानी मैं कल रात देखा है। हाँ जी नाल के घर जो अगे गए तो दो चार घर जो दिखाए सारे ने। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।